हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है वो इवनिंग का है, शाम का वक्त है और चाय बन चुकी है, चाय हम लोग पी चुके हैं। उसके बाद में थोड़ी सी मलाई रखी हुई थी, करीबन वही 2 या 3 दिन की मलाई रखी हुई थी, तो घी ख़त्म हो गया था। और तो मैंने पानी को, आजकल जो मलाई होती है वो ठंडी होती है, मतलब आजकल मौसम ठंडा है तो नॉर्मल ऐसे पानी से जो ठंडा पानी होता है उसे नहीं निकलता है, तो हल्का सा हमने गुनगुना कर लिया है पानी थोड़ा सा। और जो एक कटोरे में हमने ये मलाई को रखा था तो उसमें पानी डाल के, और जो साइड में मलाई लगी हुई थी तो उसको हमने ये इसको मतलब हाथ की सहायता से इसे छुड़ा दिया है और उसी में हमने डाल दिया है मिक्सी के जार में। और अच्छा लगता है, जैसे दूध तो सबके ही यहाँ आता होगा और अगर अच्छी सी मलाई उसमें निकलती है तो थोड़ी सी मलाई निकाल देते हैं, इससे ये भी हो जाता है, ताज़ा का ताज़ा घी भी हो जाता है और दूध तो जैसे आता ही है, तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं, घी की भी कोई दिक्कत नहीं रहती और दूध का भी कोई दिक्कत, दूध की भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। और इसको हमने मिक्सी के जार में हमने रख लिया है और इसको बहुत आसानी से निकल जाता है। आजकल तो ठंडक है, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी हमने किया, बहुत हल्का सा, गैस को देखा आपने तो देखा ही है कितना, बहुत हल्का सा गुनगुना पानी करना है और तुरंत डाल देना, बस एक राउंड होगा कि तुरंत निकल आएगा, उसमें टाइम नहीं लगता है। और सबसे बड़ा ईजी तरीका है मिक्सी के जार में मक्खन निकालना, और उसके बाद में देखते हैं आप। और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और निकल गया मक्खन, देखो। और इसको अब हमें एक कढ़ाई में, हमने तो कढ़ाई में निकाल लिया है इसको, और हमें गरम करना है मक्खन को, और इसको आराम से निकाल ले रहे हैं। और शाम का वक्त था, चाय पी ही चुके थे, फुर्सत से थे सब लोग, और अभी खाने का कोई मतलब अभी कोई भी व्यवस्था नहीं हुई है और थोड़ी देर में अभी खाने की व्यवस्था होगी। अभी तो करीबन वही 4:30 का वक्त था तो चाय से फुर्सत मिली थी और ये मक्खन हमने सोचा चलो घी बना लेते हैं। और ऐसे करके पूरा जो मक्खन है जार से बाहर निकाल लेंगे। और उसके बाद में जो इसको आप जो मक्खन निकालने के बाद जो मट्ठा बच रहा है वो भी यूज का है, क्योंकि प्योर मलाई है, घी घर का ही, मतलब सिर्फ मलाई निकाला है, तो एक जैसे थोड़ा सा हल्का सा मट्ठा, ज़्यादा खट्टा नहीं होगा, मतलब नॉर्मली एकदम ऐसे मट्ठा होता है और वो भी बहुत गाढ़ा सा होता है। देखिए यहाँ इतना मक्खन निकल आया है। और इसका भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो भी आप जैसे रायता है या कुछ भी इसका बना सकते हैं। तो हमने निकाल के साइड में रख दिया है, हमको ये बनाना है। और गैस हमने ऑन कर दी है और कढ़ाई को हमने गैस पर रख दिया और इतना सा मक्खन निकला है 2 या 3 दिन की मलाई का, और उसके बाद में हमें घी बना लेना है जल्दी से और इसको चलाना है, मतलब कंटिन्यू नहीं चलाना है, बीच बीच में चलाते रहना है मक्खन, लेकिन ये रहता है कि चलाने से अच्छे से नीचे लगता नहीं है, मतलब चिपकता नहीं है, साइड में भी छूट अगर आप हिलाते रहेंगे छुड़ाते रहेंगे तो ज़्यादा इधर उधर साइड में चिपकता नहीं है। हम बना रहे थे वो हमारा घी हो गया, बन गया है और बनने के बाद कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा घी हो गया है। और ये देखिए, जब थोड़ा सा सुनहरा कलर जब हो जाता है तो घी बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनता है। और ये अभी हमने गैस बंद करी है, जो साइड में झाग है वो इसी वजह से है, और थोड़ी देर बाद जब ठंडा हो जाएगा तो ये जो झाग है वो सही हो जाएगी। और जो इतना मक्खन था आप लोगों ने देखा ही था, उस मक्खन का इतना घी निकला है, कहाँ से यार, कम है ना, 2 या 3 दिन की मलाई से बना के अगर ये अपने 2-3 दिन तो चल ही जाएगा इतना सारा घी, और हमारे ख्याल से तो अच्छा है। और आप लोग भी अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करते हैं तो आगे से प्लीज़ ट्राई करिएगा, देखिए। और उसके बाद में तब तक आप एक रिव्यू देख लीजिए। ये जो प्रोडक्ट है वो फाइबा का प्रोडक्ट है, फाइबा के लगभग प्रोडक्ट अच्छे ही होते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ये आइबा का फेयरनेस इंस्टेंट फेशियल है, और इसमें जो है वो 3-in-1 है, मतलब कि वॉश है, स्क्रब है, मास्क है, और इसमें जो मिक्स होते हैं वो ये क्लीनअप का काम करता है, जो प्रोडक्ट है ये क्लीनअप का काम करता है। जैसे आप अगर यदि फेशियल ना करा पाएँ किसी
रणवत से। वह फेशियल का ये एक फेशियल का दूसरा ही रूप है क्लीनअप, और ये सैलून लाइक रिजल्ट है। ये सैलून में ज़्यादातर यूज किया जाता है, आप घर पे भी अपने यूज कर सकते हैं। और ये जो इसमें मुल्तानी मिट्टी और ये अखरोट और नेचुरल वाइट मिक्सचर पड़े होते हैं, और इसमें मुल्तानी मिट्टी रोज है और अखरोट है, मुल्तानी मिट्टी है। और इसका जो प्राइस है वो 175 रुपये है, और जो एक्सपायरी डेट है वो 10/22 है। और ये कुछ जो यूज़ करने वाले किस तरीके से यूज़ करते हैं, तरीके जो लिखे हुए हैं, और ये तीन प्रकार से आप इनको यूज कर सकते हैं। ओपन करके देख लेते हैं, ये कुछ इस तरीके का है, क्योंकि इसलिए जो पैकेजिंग जो है वो कुछ इस तरीके से है। और ओपन करने पे इसमें रोज़ की जैसे आपको हम हैंड पे अप्लाई करके दिखा रहे हैं, ये थोड़ा सा लेना है। और ये स्क्रब है, एक हिसाब से स्क्रब है, और इसे हमें अपने फेस पे ऐसे ऐसे करके अप्लाई करना है। और काफ़ी अच्छी रोज़ वाटर, जैसे रोज़ का वाटर होगा वो मिक्स होगा, तो काफ़ी अच्छी रोज़ की खुशबू आ रही है। और इस पर जो भी ऐसे लिखा है अप्लाई कर किस तरीके से अप्लाई करना है मुझे, और इसे अप्लाई करने के बाद ठंडे पानी से इसे वाश कर देना है। ये लास्ट में लिखा है अप्लाई टू फेस, 10 मिनट तक हमें इसे अप्लाई करना है। फिर उसके बाद में 10 मिनट लगाए रखना है, फिर उसके बाद में 1-2 मिनट आप इसे फिर 10 मिनट के बाद में इसे वाश कर सकते हैं। और इसे आप वीक में 1 या 2 बार आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसमें आप जब इसे यूज़ करेंगे तो इसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, आप कभी भी आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं। और आइबा के तो ऐसे लगभग सारे प्रोडक्ट अच्छे ही रहते हैं, सारे तो नहीं बोल सकते हैं, सॉरी सारे नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। क्या कर रहे हो? मेकअप कर रहे हैं। किससे करने जा रहे हो मेकअप? ओहो, ये क्या कर रहा है सोना? सोना मेकअप कर रहा है। मेकअप करा है? ये कैसे मेकअप करा है? ऐसे करता है। कैसे करता है? अरे वाह, जैसे पाला काली आती मम्मा, हाँ तो ऐसे हम उनकी बात करते हैं तो मेकअप वो कर लेती है, दुल्हन दूल्हा बन जाती है। दूल्हन बन जाती है, अब लड़का के साथ बैठ जाती है सोफा पे। अच्छा, और तुम्हें क्या लगा रहे हो? हम पाउडर लगा रहे हैं। अच्छा, कौन सा पाउडर है ये? ये फेस पाउडर है मम्मा। फेस पाउडर है, तुम लगा लेती हो? हाँ। अरे वाह, ये कैसे लगाया जाता है? फेस पे लगाया जाता है। इसका मतलब सोना सब जानता है। हाँ मम्मा। हाँ। और क्या लगाएगा? और हम वो आई मेकअप करने जा रहे हैं। आई मेकअप करने जा रहे हो, तो तुम कर लेते हो? देखो, मन करते हैं। अच्छा, क्या करना है? आप ऐसे अल्लाह, क्या करने जा रहे हो सोना? मेकअप कौन सा मेकअप होने जा रहा है? हाँ? ये सारे कितने अच्छे कलर अप्लाई की। हाँ, ये कहाँ पे लगाए जाते हैं? यहाँ पे लगाया जाता है। यहाँ पे लगाया जाता है? ब्लू वाला लगाया। ब्लू कलर का लगाओगे? अच्छा, तुमने इससे पहले कब किया है? तुमको आता है ये करना मेकअप? हाँ। अरे वाह, यहाँ पे लगाया जाता है? तो आईब्रो पे लगा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, वो होंठ पे नहीं लगाया जाता है। पिंक कलर है। हाँ, तो सारे कलर यहीं पे लगाए जाएंगे? हाँ मम्मा। अच्छा सुना, और अब क्या करोगे? उधर साइड में नहीं लगाओगे, इधर ही लगाओगे? देखो। हाँ। देखो। हाँ। हाँ। बस करो, छोड़ दो। छोड़ दे? हाँ, अब नहीं। अब क्या करना है तुमको? हाँ। अब अभी को रुको। हाँ हाँ, लाओ हम रख दे। क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ पे है।
गिर जाएगा। डाउन पकड़ ले, मम्मा पकड़ ले, ऐसे करो, बस ऐसे छोड़ दो। हाँ ठीक है, हो गया। अब तो सोना मेकअप करने लगा है। अरे वाह, ये रहा है मेकअप सोना का। छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो। देखिए ऊपर देखो, इधर देखो, इधर सामने, बस हो गया। देखिए इधर देखो, इधर देखो मम्मा, बेटा अब ये आ रहा है। सारी कलर्स एक दिन में नहीं लगाए जाते हैं, बस करो। हाँ छोड़ो, देखिए कैसा रहा मेकअप तुम्हारा। इधर दिखाओ, ऊपर दिखाओ, ऐसे ऊपर दिखाओ। ये रहा सोना का मेकअप, ये देखो, इधर घुमाओ, ये देखो। लिपस्टिक लगाई है तुमने क्या यहाँ पे मम्मा? हाँ, अब कौन सा मेकअप करेंगे? अब कौन सा बाकी रह गया मम्मा? ब्लैक कलर करना। अच्छा, कुछ कहना है तुमको? क्या कहना है हमको? कहना है हाँ, आराम से करना। ये कहती है हमको कुछ कहना है, तो हमने पूछा क्या कहना है, तो कह रही है आराम से करना, मतलब वीडियो आराम से बनाना। और चलिए वीडियो का करते हैं एंड, और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।